नमस्कार, होली के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर मिलन समारोह मनाने के लिए बैठे हुए हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का असर ग्वालियर में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कल 95 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने हालांकि होली का त्यौहार मनाने के लिए तो छूट दे रखी है, लेकिन जिस तरीके से बाजार बंद हैं, जिस तरीके से होली का उत्साह हुआ करता था, वो उत्साह इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी हमारी हिंदू संस्कृति में होली का बड़ा महत्व है और उस महत्व के चलते हर घर में होली मनाई जाती है। बड़े बुजुर्ग सभी गले मिलकर आशीर्वाद देकर एक दूसरे को होली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं सभी एक दूसरे को देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप G24 न्यूज चैनल के रवि यादव जी हैं, पत्रकार संघ जो है उसके अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं रविंद्र पवैया जी, ग्वालियर के मशहूर शख्सियत संघ वादक विक्रम राणा बैठे हुए हैं, हम इन चाय कप के पीछे बैठे हुए विक्रम राणा जी अपन सभी लोग बैठे हैं और होली के शुभ अवसर पर सब मिलकर एक दूसरे को अपन बधाई दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भाई सभी लोग अपने घर में रहकर ही अपने जितना हो सके रंगों से कम खेलें और प्यार की होली खेलें, शब्द के प्यार के शब्द सबको बोलें। यही आज इस समय होली का समय है और सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सभी देशवासियों को। और एक मेरी प्रार्थना है कि इस समय कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ जो सरकार के जो नियम है उसको फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें और इन रूलों को यूज़ फॉलो करते जाएं ताकि कोरोना कम से कम हो और लॉकडाउन जैसी समस्या दोबारा ना आए। क्या संदेश देना चाहेंगे ग्वालियर वासियों को और ग्वालियर वासियों को क्यों, आप तो पूरे देश वासियों को, क्योंकि आपका संगठन पूरे देश में काम करता है। पूरे देशवासियों को जो संदेश देना चाहता हूँ कि ग्वालियर की धरती पर जिस तरीके से होली को धूमधाम से मनाया जाता है और प्रशासन के द्वारा सख्ती होने के कारण हम सभी पत्रकार साथी और अन्य साथी भी घरों में जिस तरीके से होली का त्यौहार मना रहे हैं, उस तरीके से कोरोना को ध्यान में रखते हुए अच्छे से परिवार के साथ सेफ रहें। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, मेरे मित्र मंडली को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। हैप्पी होली। स्वाभाविक है कि पिछली होली और इस बार भी होली कोरोना की भेंट चढ़ गई है, लेकिन क्या करें, ये एक ऐसी महामारी है जो किसी के बस में नहीं है अभी। केवल सतर्कता ही सबसे बड़ा इलाज है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होली का त्यौहार तो हमारी संस्कृति के प्रचायक है, इसलिए त्यौहार मनाना भी ज़रूरी है और वही से हम सब आप मिलकर कर रहे हैं, पत्रकार साथी हमारे अपने समाज से भी साथी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा करके इस होली के सेलिब्रेशन को चाय और नमकीन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही एक मैसेज और देना चाहूँगा मैं कि जैसा कि हमारे PM CM आह्वान कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क का उपयोग करें और कल से 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन 40 साल से ऊपर की उम्र के वालों के लिए चालू हो रहा है, तो जो भी 40 साल के दायरे में या उससे ऊपर के लोग हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, जिससे कि उनको एक इम्यूनिटी डेवलप हो और कम से कम उस अपने से ऊपर वाले उम्र को लोगों को तो सुरक्षित रख सकें। कल वैक्सीन लगवाएंगे? अभी तो विचार है नहीं है लगवाने का। अच्छा, क्यों नहीं लगवाएंगे, मतलब डर क्यों लग रहा है? डर लगा हुआ है थोड़ा कोरोना का तो कोरोना से तो वैक्सीन बचा लेगी, बचाने के लिए दिया गया है, लेकिन क्या नाम है आपका और क्या करते हैं, परिचय बताइए। हम करते हैं अपना काम, कुछ नहीं, घर पर ही बैठे रहते हैं। टूटेंगे चतुर्वेदी जी किस तरीके से अपने अंदाज में, जैसा आपका अंदाज है, ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से और गुलाल से होली खेलें, क्योंकि रंगों में आजकल केमिकल बहुत आने लगा है, केमिकल से होली ना खेलें, रंगों से होली ना खेलें, गुलाल से होली खेलें शांतिपूर्ण तरीके से। ये मेरा नाम अजय त्रिपाठी है, मेरा सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है, सभी मिल बांट कर और सब अपने मास्क के साथ गुलाल से होली खेलें और जितनी हो सके उतना अपने घर में ही सुरक्षित रहें। नाम मुबीन गुप्ता है, मैं कोई समाज सेवक का, समाज सेविका के सेवक 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 अच्छा तो मेरा
सारे ग्वालियर वासियों को होली की शुभकामनाएं और मास्क लगाए और दूरी बनाए। मैं अशोक सोनी, प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ का जिलाध्यक्ष और दैनिक भारतीय जमुई का रिपोर्टर। मैं सर्वप्रथम तो सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। उसके बाद होली मनाएं, सोशल डिस्टेंस के साथ मनाएं। अगर कोई भाई सामाजिक दूरी रख रहा है उसको क्षमा करें और उससे दिल की दूरियां ना बनाए, बल्कि उसे प्रेम व्यवहार रखें। उसी के साथ होली का महापर्व मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे सभी सम्मानित भाइयों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम गिरिराज ओझा है। क्या करते हैं? मैं प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ से प्रदेश प्रचारक हूँ। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्रामीण वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग। ग्वालियर वासियों से अनुरोध करूँगा कि जो भी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी हैं वो कृपा करके इस कोरोना काल में भंडारण ना करें जी। भंडारण करके क्या है, वो लोग जो है महंगा सामान बेचते हैं वो ना। मेरा नाम विशाल सेंगर है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट की गाइडलाइनों को फॉलो करें। मास्क ना लगाना, खुले में घूमना है ना, तो उस पालन पूरी तरह से नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस त्यौहार को पालन। होली मनाई आपने कि नहीं मनाई? मना ली। रंग लगाया, गुलाल लगाया? गुलाल लगाए। प्रथम सिंह कुशवाहा, मैं RBS न्यूज चैनल में कैमरामैन की पोस्ट पर हूँ। और मैं यही चाहता हूँ सारे देशवासियों से कि इस होली के त्यौहार को बहुत अच्छी तरह मनाएं और साथ में कोरोना से बचाव भी करें। विनोद बिरला जी, विनोद जी, ग्वालियर में आज होली के त्यौहार मनाया जा रहा है लेकिन कोरोना काल भी है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ग्वालियर वालों को? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत ये जो माहौल समय जो चल रहा है ना, बहुत कठिन समय चल रहा है और इस समय हमें हर चीज़ को निभाना भी है, दोस्ती भी रखनी है, व्यवहार भी रखना है और वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से खुशियों से मनाना है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को और मेरे सभी ग्वालियर वासियों को। कैमरा लगाने वाला नंबर ले रहा हूँ, आपके लिए उनको कैमरा।